अस्सलामुअलैकुम क्लास, अब आपने एक्सरसाइज 2C करनी है कॉपी पे, और डेट डे मेंशन करके, चैप्टर का नेम मेंशन करके तो आपने करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐड 3/5 एंड -2/5। आपने पहले देखा डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। 3 प्लस माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर इज इक्वल टू 1/5। सेकेंड पार्ट में डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 8 एंड 4, आपने एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, बाकी सेम प्रोसेस में एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पार्ट सी, पार्ट 3 और 4 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी सेम है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है और आपने एलसीएम सेम करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है कि -2/5 +4/9 -3/4 इज इक्वल टू -2/5 +4/9 -3/4। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन के भी बताई थी पीछे। तो ये क्या है कि हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ठीक है। ये इसमें आपको पता है सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एक ब्रैकेट में 5 और 9 आ रहा है, एलसीएम लिया और उसको एलसीएम को सेम किया, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3/4 एज इट इज़ आता जाएगा। जब आपका ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तो आपके पास आंसर आया 2/45। तो उसमें से आप 3/4 को माइनस करेंगे, लेकिन पहले क्या होगा, एलसीएम सेम करेंगे। ठीक है, एलसीएम आपके पास 180 आया, एलसीएम सेम किया तो आपके पास आंसर आ गया -127/180। इसको आपने 1 लिख के अपने आंसर को पॉइंट आउट किया। ठीक है, राइट हैंड साइड लिखेंगे जो क्वेश्चन की थी, राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट इस पे था तो आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 9 और 4 का एलसीएम 36 आएगा। एलसीएम सॉल्व करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ गया -127/180। तो 1 और 2 से आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो -6/7 --2/7, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम की ज़रूरत नहीं, तो आपने बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करके आंसर लिखना है। इसी तरह इधर था 24/24 एंड 36, तो एलसीएम लिया, एलसीएम सेम करके बाकी का क्वेश्चन आप सेम प्रोसीजर पे सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 3 और 4 जो है ये आपका होमवर्क है। पार्ट 6, क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई, ये भी सेम है। तो ये 3/7 +5/9 +-2/3। तो 7, 9 और 3 तीनों का एलसीएम लिया तो वो 63 आया। आपने एलसीएम सेम किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया, और इसका भी पार्ट 2 और 3 जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू।